हेलो एवरीवन, क्लास टेंथ। आज की वीडियो में मैं आपको मोड फाइंड करना सिखाऊंगा। लास्ट वीडियो में अपनों ने मीन फाइंड करना सीखा और मीन को डायरेक्ट मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड दोनों मेथड से अपनों ने फाइंड करा है और आप सबको समझ में आ गया होगा अच्छे से। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो जो आपका आज का, इसमें हम मोड फाइंड करेंगे। तो मोड फाइंड करने का मैंने आपके सामने फार्मूला लिख रखा है, मोड इक्वल्स टू एल प्लस एफ वन माइनस एफ नॉट डिवाइड में टू एफ वन माइनस एफ नॉट माइनस एफ टू ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई बाई एच। यहाँ पर एल क्या है, एफ वन क्या है, एफ नॉट क्या है, सब क्या जो है मैंने नीचे लिख रखा है, जैसे लिखा है यहाँ पर मैंने, वेयर एल जो है, एल क्या होगा आपका लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। अभी मॉडल क्लास क्या होगी वो भी मैं आपको समझाऊँगा अभी क्वेश्चन के थ्रू। एज क्या है तो साइज ऑफ द क्लास इंटरवल, एफ वन क्या है तो फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, एफ नॉट क्या है तो फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास, और एफ टू क्या है तो फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास ऑफ सक्सीडिंग यानी उसके बाद वाली। अभी क्या होते हैं वो सारे यहाँ पर समझते हैं। सबसे पहले बहुत सारे बच्चों को ये फार्मूला याद रखना ही टप पड़ जाता है कि ये फार्मूला याद नहीं हो रहा सर हमको, तो मैं आपको बहुत आसानी तरीके से इस फार्मूले को याद करना सिखाता हूँ। कैसे, देखिए फार्मूला बहुत आसान याद करना, जैसे अपने को लिखा मैंने, अगर आपको याद करना है तो जैसे लिए मैं लिखा मोड, लिख दिया मोड, अब इक्वल बस एक छोटा सा याद रखना है एल प्लस ब्रैकेट क्लोज और यहाँ मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा एच आ जाएगा। जो कन्फ्यूजन वाला है रहता है वो लिख बताता हूँ मैं, लिख दो पहले एफ माइनस फिर एफ फिर थ्री टाइम एफ, ऊपर टू टाइम और नीचे थ्री टाइम, ये लिख दिया पहले अपनों ने, ठीक। फिर लिख दो टेन, ये लिख दिया टेन, फिर वापस टेन, फिर लिख दिया टेन, ऊपर भी टेन नीचे भी टेन लिख दिया, यहाँ पर लिख दो टू और यहाँ पर भी लिख दो टू, आगे फॉर्मूला। ये इतना आसान फॉर्मूला याद करना तरीका, बस क्लियर है। एक बार वापस चलिए देखो, देखिए फर्स्ट में लिखा एल प्लस ब्रैकेट बनाया, फिर यहाँ पर लिख दो एच, फिर वापस यहाँ पर एफ, फिर वापस एफ, ऊपर टू टाइम तो नीचे टू से ज़्यादा थ्री टाइम बना दो, ये बना दिया, फिर ऊपर लिखो टेन, यहाँ पर लिखा मैंने टेन, फिर यहाँ पर आगे लगा दो टू और यहाँ पर लगा दो टू, ये हो गया आपका फार्मूला। तो मोड का फार्मूला इस तरीके से अपन आसानी से समझ सकते हैं, रट्टा मारने की कोई ज़रूरत नहीं है, आराम से आपको समझ में आ जाएगा। चलिए अब मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व कराता हूँ। तो मोड फाइंड करने के लिए मैंने आपके सामने क्वेश्चन लिख रखा है, जैसे द फॉलोइंग टेबल शो द एजेस ऑफ द पेशेंट एडमिटेड इन अ हॉस्पिटल ड्यूरिंग अ ईयर। 14.2 का फर्स्ट क्वेश्चन समझा रहा हूँ मैं, उसमें मोड फाइंड करके आपको सिखा रहा हूँ, क्योंकि मीन फाइंड करना अपन सीख चुके हैं तो उस क्वेश्चन में मीन की भी बोल रखा है, तो आप मीन जिस मेथड से आपको सिटेबल लगता है उस मेथड से फाइंड कर लेना, वो आपको मैं सिखा चुका हूँ लास्ट वीडियो में। अब मैं आपको मोड बता रहा हूँ केवल। तो मोड देखिए, इस क्वेश्चन का अपनों से बोला है कि मोड फाइंड करो, क्या फाइंड करो मोड, ओके। तो मोड कैसे फाइंड करते हैं तो थोड़ा ध्यान समझिएगा, ऊपर डेटा दे रखा है एज इन ईयर्स में 5 से 15 ईयर्स, 15 से 25 ईयर, ये डेटा जो आपका ईयर्स में, और नीचे दे रखा नंबर ऑफ पेशेंट, पेशेंट है 6, 11, 21, 23, 14 और 5। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर कि नंबर ऑफ पेशेंट सबसे हाईएस्ट कहाँ पर है, नंबर ऑफ पेशेंट किस में सबसे हाईएस्ट है, यानी मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कहाँ है। देखो देखिए 6 है कि 11 है कि, अपने को नीचे वाले नंबर देखना है, फ्रीक्वेंसी कहाँ होती है नीचे वालों में ना, 6, 11, 21, 23, 14 और 5। तो सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी देखो देखिए कौन सी दिख रही है आपको, सबको दिख रहा होगा कौन सा है नंबर आपका 23 है, यानी अपन ने लिख दिया कि जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है वो कितना है 23। ये क्लियर हो गया होगा आपको, जो आपकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है आपकी एफ वन, क्या होती है एफ वन, जो फ्रीक्वेंसी फर्स्ट पे है वो एफ वन, ओके। ये क्लियर हो गया आपको, यानी ये जो आपकी फ्रीक्वेंसी होगी ये कितना होगी एफ वन, ये लिखना नहीं है मैं आपको बस रफली बता रहा हूँ, यहाँ पर लिखना नहीं है आपको, है ना। तो ये आपका एफ वन, क्लियर है। तो जो भी फ्रीक्वेंसी अपनी हाईएस्ट होगी उसकी जो क्लास होगी, अब इसकी क्लास कौन सी देखो 35 से 45, 35 इंटरवल 45 है, तो ये अपनी क्या होगी मॉडल क्लास हो जाएगी, क्या हो जाएगी आपकी मॉडल क्लास। अपन मोड फाइंड करें ना तो इस क्लास को क्या बोल देंगे अपन मॉडल क्लास, और ये आपकी हो जाएगी 35 से 45, क्लियर हो गया। मॉडल क्लास क्या होगी 35 से 45, इतना आपको समझ में आ रहा होगा। अब जो अपनों ने अभी फार्मूले में इतनी सारी से वैल्यू समझाई थी मैंने, वो क्या क्या होता है मैं एक एक करके आपको समझाता जाता हूँ। अब जैसे मैंने लिखा था वहाँ पर L, क्या लिखा था मैंने L बताया था यहाँ पर L क्या लिखा था
लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास, लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। क्या बोल रहा है ध्यान समझिएगा, क्या लिखा है, लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास, यानी मॉडल क्लास की जो लोअर लिमिट उसको एल से रिप्रेजेंट करा था। तो क्या होगी, तो देखिए यहाँ पर 35 और 45 ये मॉडल क्लास है, इसमें लोअर लिमिट क्या है आपकी, 35 और 45 में लोअर लिमिट क्या है, 35 है आपकी, तो एल की वैल्यू कितना हो जाएगी, 35। क्लियर हो गया, समझ आ रहा है, ये आपकी लोअर लिमिट हो गई। ओके, इतना क्लियर हो रहा होगा। अब इसके बाद फिर वापस, ये तो हो गई आपकी लोअर लिमिट। अब और ये F1 क्या था आपका, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी थी, इससे पहले वाली जो फ्रीक्वेंसी होगी ये होगी आपकी F नॉट, और इसके बाद वाली होगी वो F2, इसके पहले वाली F नॉट और इसके बाद वाली 2, यानी 0 1 2। क्लियर हो जाएगा, डाउट नहीं होना चाहिए और कहीं कन्फ्यूजन में रखना, 0 1 2। तो F नॉट जो है इससे पहले वाली फ्रीक्वेंसी और ये इसके बाद वाली, यानी ये सिर्फ प्रिसीडिंग है और ये इसके बाद सक्सीडिंग है, ये फ्रीक्वेंसी जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी उससे प्रिसीडिंग फ्रीक्वेंसी कौन सी, प्रिसीडिंग समझ आ रहा है ना, मतलब इससे पहले वाली और ये इसके बाद वाली, तो सक्सीडिंग हो जाएगी, क्या हो जाएगी, वो आपकी सक्सीडिंग। ठीक, तो देखो मैंने लिख रखा है यहाँ पर फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, अच्छा लोअर लिमिट कितना थी, तो 35, तो लिख दिया मैंने 35। क्लियर है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास कितना है, तो 23, तो लिखा उसके सामने 23। क्लियर है, अब आप ये लिख रखा मैंने एफ नॉट, एफ नॉट यानी फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रिसीडिंग ऑफ द मॉडल क्लास, यानी मॉडल क्लास से पहले वाली फ्रीक्वेंसी प्रिसीडिंग, तो मॉडल क्लास से पहले वाली फ्रीक्वेंसी प्रिसीडिंग कितना है, 21, तो उसके इक्वल में लिख दिया मैंने 21। एग्जाम में आपको ऐसे कैसे लिखना है जैसे मैंने यहाँ व्यवस्थित लिख रखा है, लोअर लिमिट वगैरह क्या है पूरा व्यवस्थित बना के लिखना है। फिर लिखा मैंने एफ टू क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास, फ्रीक्वेंसी ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास सक्सीडिंग द मॉडल क्लास, यानी उसके बाद वाली फ्रीक्वेंसी, तो इसके बाद मॉडल क्लास के बाद वाली फ्रीक्वेंसी कितना है, देखो देखिए मॉडल क्लास के बाद वाली फ्रीक्वेंसी 14, तो रख देते हैं यहाँ पर 14। बहुत आसान है, समझ आ रहा होगा। ऊपर लिख रखा मैंने एक और, साइज ऑफ द क्लास इंटरवल, और ये अपन पहले क्वेश्चन से ही पढ़ते आ रहे हैं, साइज ऑफ द क्लास, देखिए देखिए क्लास की साइज़ क्या है, 5 से 15, 15 से 25, डिफरेंस कितना चल रहा, 10 का चल रहा, तो साइज़ कितना हो जाएगी क्लास की, 10। आगे समझे, इतना आपको समझ आ गया होगा। तो इस तरीके से अपन पूरी वैल्यू व्यवस्थित लिख देंगे, और जो ऊपर लिखना है वो मैं लिख देता हूँ, क्या लिखना है आपको आंसर करके व्यवस्थित, ताकि कोई बोर्ड क्लास में स्टेप्स वगैरह नंबर अच्छे से मिलते हैं। तो लिख देते हैं यहाँ पर हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कितना थी आपकी, 23 थी, ये मैं लिख दी 23, और ये आपकी क्या हो जाएगी, मॉडल क्लास, तो यहाँ लिख देते हैं मॉडल क्लास, और मॉडल क्लास क्या हो गई थी, मॉडल क्लास बताई थी मैंने अभी यहाँ पर 35 से 45, तो 35 से 45, और बाकी ये सारी वैल्यू इसके बाद अब लिख देंगे। देन यूजिंग फॉर्मूला ऑफ, कौन सा फॉर्मूला, मोड का, तो लिख देते हैं मोड इक्वल क्या, पहले एल प्लस, फॉर्मूला भी याद करना सिखाया मैंने कैसे बनाते हैं, F1 माइनस F1, फिर वापस एफ, फिर एफ, फिर एफ, और यहाँ पर एच आते जाता है, यहाँ लिख दिया 10, यहाँ पर लिखा 10, और यहाँ 2, तो यहाँ पर भी 2। क्लियर, ये आपका फॉर्मूला हो गया। अब L, L देखिए कितना है, लो लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास 35 ही, तो लिखा 35 प्लस F1 कितना है, तो 23 है, F1 की वैल्यू 23, तो F1 के प्लेस पर F1 की वैल्यू पुट कर देते हैं 23। ऐसे एफ नॉट कितना है, तो एफ नॉट की वैल्यू है अपने पास 21, तो एफ नॉट के प्लेस पर एफ नॉट की वैल्यू 21, फिर 2 F1, तो मल्टीप्लाई में F1 की वैल्यू अभी रखी थी 23 ऊपर, एफ नॉट की वैल्यू अभी रखी थी 21, माइनस F2, और F2 की वैल्यू जो है अपने पास है 14, तो F2 के प्लेस पर F2 की वैल्यू 14 मल्टीप्लाई, और H कितना लिखा था ऊपर अपनों ने, 10। ओके, नेक्स्ट स्टेप 35 एज इट इज प्लस 23 में से 21 चला जाएगा, तो आएगा कितना 2,
23 का मल्टीप्लाई 2 से 46 माइनस, दोनों नंबर माइनस किए तो प्लस हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा 35 और मल्टीप्लाई में 10। ये 35 प्लस 2, 46 में 35 चला जाएगा माइनस हो जाएगा, तो आएगा 11 मल्टीप्लाई में 10। तो 35 प्लस 2 का मल्टीप्लाई 10 से तो 20 अपॉन 11 हो जाएगा। इसके बाद अपन इसको डिवाइड कर देते हैं, क्या लिखा था 35 प्लस 20 अपॉन 11। अब 35 तो ऐसे कैसे आ जाएगा, पर यहाँ पर 20 और डिवाइड में 11 है, तो 20 को 11 से डिवाइड कर देते हैं। तो 20 को 11 से डिवाइड करा तो आया 1.81 अप्रोक्स आया, क्या है ये आपका अप्रोक्स आया ना, ध्यान रखना। तो 35 प्लस 1.81 को प्लस कर देंगे तो आ जाएगा 36.81। और काय में था आपका, ईयर्स में था, स्टैंडर्ड में देखो ईयर्स में था आपका, तो यहाँ पर आंसर भी आ जाएगा ईयर्स और ये आपका ब्रैकेट में अप्रोक्स। ठीक, तो इस तरीके से अपनों ने आज के वीडियो में मोड फाइंड करना सीखा। तो आप अच्छे से इस वीडियो को ध्यान समझिएगा और आप बाकी क्वेश्चन जो इस एक्सरसाइज के हैं तो मोड ज़रूर फाइंड कीजिएगा। और अगर आपको कोई डाउट लगता हो तो मुझे कमेंट या मेरे व्हाट्सएप नंबर, मैंने आपको जो कल बताए थे कौन से व्हाट्सएप नंबर, मेरे 8966098215, इस पर ज़रूर मुझे कॉल करके बताएं, तो मैं आपके डाउट भी क्लियर कर दूंगा। ठीक है, और वीडियो को देखने के बाद उसको सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि जैसे आपको नया वीडियो आता है तो इन्फॉर्म नहीं करना पड़े, आप अपने आप ही वैसे पता लग जाए कि हाँ वीडियो वगैरह आ चुका है। बेल आइकन पर भी ज़रूर क्लिक कर दें ताकि आपको पता लग जाएगा। जय हिंद, जय भारत।